दिल्ली के अंबेडकर नगर में पीएम मोदी ने की आखिरी चुनावी रैली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। मोदी ने कहा लोकसभा चुनावों में मेरी सभा में इतनी भीड़ नहीं जुटती थी जितनी इस बार जुटी। बोले 10 फरवरी को किरण बेदी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी सरकार। 10 तारीख को जब नतीजा आएगा उसके बाद बहन किरण जी के नेतृत्व में दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अभियान आरंभ कर देंगे। मोदी ने कहा मेरी राजनीति का मकसद सिर्फ विकास है। मोदी ने कहा दिल्ली का जीवन गुजरात से अच्छा होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पर पार्टी ने मांगी माफी, पर कुछ लोग इसे बेवजह तूल दे रहे हैं। पीएम मोदी ने चुनावी सर्वे पर उठाया सवाल, कहा पिछली बार जिस पार्टी को लोकसभा की 50 सीटें दे रहा था सर्वे, उसका हश्र सभी को पता है। पिछले बार का जब अखबार वगैरह निकलिए मिल जाएगा सारा, 50 सीटें घोषित करती थी, जब नतीजा आया नंबर एक पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर एक पर भी। पीएम मोदी ने कहा बनारस में मेरी हार बता रहे थे लोग, बोले जो खुद चुनाव नहीं जीत पाते उन्हें कुछ शीर्ष पर बैठाना चाहते। मोदी ने कहा अच्छा होता तो भी सवाल उठाते विरोधी, पेट्रोल के दाम कम हुए तो कहते हैं चुनाव के लिए किया। सिख दंगों पर बोले मोदी न्याय की आवाज उठाओ तो लोग इसमें भी सियासत देखने लगते हैं। दिल्ली के भलसावा में राहुल गांधी ने रैली के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी ने ऑटो रिक्शा वालों को दिया धोखा। राहुल और आपका बीजेपी से जोड़ा कनेक्शन, कहा कांग्रेस शासन में रेप होने पर आम आदमी पार्टी धरने पर बैठ जाती थी, मोदी सरकार में 30% रेप के मामले बढ़े, फिर धरना क्यों नहीं किया। 30% रेप बढ़ा है, आम आदमी पार्टी के लोग धरना पे क्यों नहीं बैठे? क्योंकि बीजेपी बैठी हुई है, इसलिए, क्योंकि वह बीजेपी के, जैसे आपने कहा, एजेंट। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर करारा वार, कहा बात मेक इन इंडिया की करते हैं, सूट विदेशी पहनते हैं। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस गरीबों की लड़ाई लड़ती है, उद्योगपतियों की नहीं। राहुल गांधी ने आज रोड शो किया, आजाद मार्केट से रोड शो पर निकले राहुल, दिग्गज नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा मौजूद। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा जनता से कटे हुए हैं लिहाजा उन्हें असल मुद्दे ही पता नहीं। अपने चुनाव क्षेत्र कृष्णनगर में प्रचार के दौरान भावुक हुई बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी, आंखों से छलके आंसू। ईवीएम मशीन को लेकर आज मुख्य चुनाव आयोग से मिले केजरीवाल, ईवीएम की गड़बड़ी के मद्देनजर पोलिंग बूथ के बाहर जागरूकता भरे बैनर लगाने की मांग। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बोले केजरीवाल वोटिंग मशीनों पर हर संभव मदद का दिया भरोसा। कहा कि मशीनों को लेके जो भी संदेह है, मशीनों को टैम्पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा, और कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शन हो सकती हैं वो तो कहीं भी पॉसिबल है, कुछ फिजिकल डैमेज हो सकते हैं मशीनों को, कि अगर मैंने एक पैसे की गड़बड़ की है अब भी इसी वक्त मुझे गिरफ्तार करो अगर मैंने एक भी पैसे की गड़बड़ की है। और मैं किरण जी को कहना चाहता हूँ मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि मैंने गड़बड़ की है, मैं बेईमानों के। केजरीवाल ने कहा किरण बेदी के साथ 3 साल तक काम किया, मैं उनकी इज्जत करता हूं, थोड़ी सी मर्यादा रखें। बेदी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा जनता खुद जवाब देगी मुझे जरूरत नहीं। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में उत्तर भारतीयों के लिए इमिग्रेंट शब्द का इस्तेमाल पर छिड़ा घमासान, गुवाहाटी में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी।
कांग्रेस और अखिल गोगोई ने अलग अलग किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर जताई नाराजगी। इमिग्रेंट पर बीजेपी ने मांगी माफी, रविशंकर प्रसाद ने कहा गलती से छपा शब्द। इनएडवर्टेंट मिस्टेक, अनचाही भूल और टाइपिंग भूल के कारण इमिग्रेंट शब्द का प्रयोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में हो गया था, इसका पार्टी को बहुत ही खेद है। बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए इमिग्रेंट शब्द का किया था इस्तेमाल, अजय माकन ने उठाया था मुद्दा। इमिग्रेंट विवाद पर बोले सतीश उपाध्याय, दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी है बीजेपी का एजेंडा, हम फिर सार्वजनिक माफी मांगने को है तैयार। सतीश उपाध्याय ने कहा जनता को गुमराह करने और सहानुभूति पाने के लिए केजरीवाल उठा रहे हैं ईवीएम का मुद्दा। केजरीवाल को मिल सकता है सीपीएम का सहारा, दिल्ली की 55 सीटों पर सीपीएम कर सकती है आम आदमी पार्टी का सहयोग। पूर्व आप नेता और जनकपुरी से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ तिवारी ने जनता से कान पकड़कर मांगी माफी, कहा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना थी भारी भूल। बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने चुनावी सर्वे में आम आदमी पार्टी की बढ़त को किया खारिज, कहा बीजेपी अपने दम पर दिल्ली में लेगी 50 सीटें। बीजेपी ने कहा केजरीवाल आवाम के खुलासे पर गिरफ्तारी की बात जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, वो चाहते हैं जानबूझ करके इस समय किस तरीके से गिरफ्तार हो जाए ताकि सहानुभूति और ज्यादा उनके साथ हो जाए, और वो चुनाव में इस प्रकार की हरकतें लगातार करते रहे। प्रचार थमने से पहले दिल्ली में बीजेपी लगाना चाहती है अंतिम जोर, बीजेपी दफ्तर में अमित शाह ने मंत्रियों और नेताओं के संग की बैठक। कल शाम से पहले दिल्ली के हर मतदाता तक पहुंचना चाहती है बीजेपी, कार्यकर्ता नए पैम्फलेट, विजन डॉक्यूमेंट, मतदाता स्लिप समेत करीब 11 दस्तावेज संग हर वोटर से करेंगे संपर्क। अपने चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली में दूसरी बार प्रचार के लिए पहुंचे केजरीवाल, जनता से कहा एक बार फिर बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। किरण बेदी के चुनाव क्षेत्र कृष्णानगर में आपकी महिला विंग ने संभाला मोर्चा, गुल पनाग ने निकाली बुलेट रैली। भारतीय मजदूर संघ की रैली में शामिल हुई किरण बेदी, गीता कॉलोनी में जुटे थे मजदूर संघ के लोग। बेदी ने मजदूर संघ की रैली में केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना, कहा पीएम बनने की ख्वाहिश में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किया था धोखा, सीएम की जिम्मेदारी छोड़कर भागे थे। मेरा भविष्य ये पिछले किए हुए कर्मों से बना है, मैंने नहीं बनाया, ये मेरे पुराने कर्मों से आया है। बिहार के सीएम जितिन राम मांझी ने की नीतीश कुमार की तारीफ, कहा नीतीश के 8 सालों के कुशल नेतृत्व से बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर हुआ बिहार। अभी जो कुछ भी हम लोग कर पाए हैं काबिले तारीफ है, और इसके लिए विशुद्ध रूप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बिहार में भी छिड़ा सियासी पोस्टर वॉर, पोस्टर में लालू नीतीश को महाभारत के रण में दिखाया गया, कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में लगे पोस्टर। लालू नीतीश के पोस्टर का जेडीयू के बागियों ने दिया जवाब, पटना में 13 बागियों ने बिहार बचाओ का लगाया पोस्टर। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर की आज कोर्ट में हुई पेशी, 6 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा गया, उगाही के केस में हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई की अंबोली पुलिस ने संगीतकार इस्माइल दरबार को किया गिरफ्तार, सहायक निर्देशक से मारपीट के केस में दर्ज थी एफआईआर। मुंबई पुलिस कल इस्माइल दरबार के बेटे जैद और उसके दो दोस्तों की भी कर चुकी है गिरफ्तारी।
शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कई चिटफंड कंपनियों के दफ्तर पर मारा छापा। सीबीआई की करीब 10 टीमों ने अलग अलग छापेमारी की। हावड़ा में अरूप भंडारी के घर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। कल छेड़खानी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई थी अरूप की हत्या। शराबियों से निपटेगी शक्ति गैंग। उज्जैन में महिलाओं ने शराबियों से मोर्चा लेने के लिए गुलाबी गैंग की तर्ज पर बनाया शक्ति गैंग। जयपुर में महाराजा स्कूल खाली कराने पर छात्राओं ने किया विरोध। पुलिस ने किया बल प्रयोग। चोट के बाद कई छात्राएं अस्पताल में भर्ती। राजघराने के पुजारी ने इमारत पर किया था दावा। सरकार की ओर से कोर्ट में किसी के नहीं पहुंचने पर पुजारी के पक्ष में आया फैसला। हिमाचल के बिलासपुर में तेंदुए की चार खाल के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। करीब 70 लाख की आंकी जा रही है खाल की कीमत। ट्रांसएशिया का विमान ताइवान के हादसे का शिकार। ताइपे में नदी में हुआ क्रैश। हादसे में 8 लोगों की मौत। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। राहत और बचाव कार्य जारी। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर। ब्राजील की ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के दौरान हंगामा। दूसरे नंबर पर आने के बाद प्रतियोगी ने विनर का ताज उसके सिर से नोच कर जमीन पर फेंका। विवाह की पूर्व संध्या पर शादी तोड़ने का विचार कर रहे थे प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना। चार्ल्स के करीबी का खुलासा।